गुड मॉर्निंग। कल हमने दो टॉपिक लिए थे, बैलेंस डाइट और न्यूट्रिशन। ठीक है, कंप्लीट है मेरे ख्याल से वो। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स देखो, जनरली क्या होता है हमारे फूड के अंदर, जनरली फाइव टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स हमने, या सिक्स टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स की मैंने बात बताई थी कल, कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे फूड के अंदर। कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, मिनरल होता है, विटामिन होता है एंड वाटर होता है। ये मैंने बताया था कल। ठीक है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स को जनरली जो चाहिए, सिक्स न्यूट्रिएंट्स हैं, इनको जनरली हम टू कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, मैक्रो वर्ड का मतलब क्या होता है? लार्ज, बड़े। जो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, बड़े होते हैं, उनको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, और जो स्मॉल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की अगर बात करते हैं, ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की अगर बात करते हैं तो उसके किस, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर हम किस किस को रखते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स, और वाटर को भी हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर ही रख देते हैं। अब मैक्रो और माइक्रो के अंदर डिफरेंस क्या है वो हम समझ लेते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हैं और बॉडी के अंदर फिर इनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। मतलब कि जैसे मान लो हमने कार्बोहाइड्रेट खाया, कार्बोहाइड्रेट जो है फूड के अंदर सिंपल फॉर्म में नहीं होता है। सिंपल फॉर्म का मतलब कि वो हमेशा कार्बोहाइड्रेट जो है हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मिलेगा। जैसे सपोज करो मैंने पोटैटो लिया, पोटैटो के अंदर कार्बोहाइड्रेट जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है, बनाना और पोटैटो के अंदर। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है बनाना के अंदर या पोटैटो के अंदर वो सिंपल फॉर्म में नहीं होता है, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। कार्बोहाइड्रेट को जनरली हम थ्री कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी थ्री कैटेगरी है? पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड। ठीक है, आपने सुना होगा पोटैटो के अंदर क्या होता है? स्टार्च होता है। पोटैटो के अंदर क्या होता है? स्टार्च। ठीक है, ये सुना होगा, ये टर्म आपने देखी होगी, स्टार्च। ये क्या है स्टार्च? स्टार्च होता क्या है? स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट का ही फॉर्म है भाई। स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट ही तो है। स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट ही है। ठीक है, स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट की कौन सी फॉर्म है? ये है पॉलीसेकेराइड फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है? पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड फॉर्म। ये कार्बोहाइड्रेट की कौन सी फॉर्म है? पॉलीसेकेराइड फॉर्म। बात समझ में आ रही है? पॉलीसेकेराइड फॉर्म जनरली कार्बोहाइड्रेट की कौन सी फॉर्म होती है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म। कौन सी फॉर्म होती है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ये क्या बोले जा रहे हैं सर? हैं, पॉलीसेकेराइड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या होती है? ठीक है, देखो कार्बोहाइड्रेट के कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग अगर हम पॉलीसेकेराइड की बात करते हैं वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, देन डाइसेकेराइड की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है, मोनोसेकेराइड की बात होती है तो सिंपल फॉर्म क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट की मोनोसेकेराइड होती है। स्टार्च जो है वो कार्बोहाइड्रेट की कॉम्प्लेक्स फॉर्म है जिसको हम पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। तो मतलब ये हुआ कि हमने पोटैटो खाया तो उसके अंदर स्टार्च खाया, स्टार्च बॉडी के अंदर जाएगा, उस स्टार्च को मेरे को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? कार्बोहाइड्रेट की सिंपल फॉर्म, जो कि कैसी है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? मोनोसेकेराइड। तो स्टार्च को अगर मेरे को तोड़ना है बॉडी के अंदर तो मैं तोड़ूंगा उसको किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर। मतलब स्टार्च किसका बना है? बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलकर ही क्या बनाते हैं? स्टार्च बनाते हैं। ठीक है, तो जो मैं फूड लिया है उसके अंदर स्टार्च लिया है, लेकिन उस स्टार्च को मेरे को क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा ताकि मेरे को क्या मिल सके? ग्लूकोज मिल सके। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अब नेक्स्ट जो है, जैसे प्रोटीन की बात करते हैं,
प्रोटीन क्या है, प्रोटीन भी एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। प्रोटीन को भी हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हैं, उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ते हैं। ठीक है, सिंपल फॉर्म क्या होती है प्रोटीन की, अमाइनो एसिड। प्रोटीन किसके बने होते हैं, अमाइनो एसिड के बने होते हैं। ठीक है, प्रोटीन किसके बने होते हैं, अमाइनो एसिड के। उसी तरह से फैट को तोड़ना होता है, फैट की स्मॉल, ये सारी चीज़ें आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी। जिसके पास बायोलॉजी नहीं है उन्होंने 10th क्लास में पढ़ी होगी, जिसके पास बायोलॉजी है उन्होंने 11th में तो पढ़ी है, उनको तो वो जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब कार्बोहाइड्रेट को जो यूनिट होती है होती है ग्लूकोज, प्रोटीन की यूनिट होती है अमाइनो एसिड, फैट की यूनिट होती है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, तो कुल मिला के हुआ कि जो फूड है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट जो होता है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिए जाते हैं और फिर उनको बॉडी के अंदर सिंपल फॉर्म में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। क्लियर, अभी देख लेते हैं बुक के अंदर क्या दे रखा है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कॉन्स्टिट्यूट द मेजोरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स डाइट, हैंस इट कैन बी सेड दे आर टेकन इन लार्ज अमाउंट, दे सप्लाई एनर्जी एंड आर नीडेड फॉर ग्रोथ मेंटेनेंस टू परफॉर्म एक्टिविटी, दे इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट एंड वाटर, द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इन गिवन बिलो। ठीक है देखते हैं आगे क्या है। कार्बोहाइड्रेट्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है पता है हमें चीज़, दे कंटेन द एलिमेंट्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ नेम कार्बो मीन्स दैट दे कंटेन कार्बन, सिंपल सी बात है। द सेकेंड पार्ट ऑफ मीन हाइडर मीन दे कंटेन हाइड्रोजन, ठीक है। द थर्ड पार्ट ऑफ नेम एट मीन दे कंटेन ऑक्सीजन, इट ऑल कार्बोहाइड्रेट्स द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ टू ऑक्सीजन एटम इज 2:1 जस्ट लाइक वाटर। कार्बोहाइड्रेट्स आर एक्चुअली, देखो रेशो क्या हो गया, जैसे हम बात करें हम लिखे ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 ग्लूकोज। तो ये बोल रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का रेशो क्या है, 2:1 ही है क्या? देखो ये 12:6 है तो रेशो क्या हो गया, 2:1 हो गया ना। क्लियर, तो कार्बोहाइड्रेट्स आर यू एक्चुअली द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर डिफरेंट डाइजेस्टिव ऑपरेशन इन आर बॉडी। देर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन द कार्बोहाइड्रेट्स एंड द अदर एलिमेंट इम्पोर्टेंट फॉर द न्यूट्रिशन लाइक प्रोटीन एंड फैट, है ही वो तो सब एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है, सबका फंक्शन अलग है, सब अलग अलग तरह से बॉडी के अंदर यूज़ किया जाता है। ठीक है, द मेन डिफरेंस बिटवीन टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन दियर केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ आ गया मैं, सॉरी जनरली इट इज सीन डेट कार्बोहाइड्रेट इन डाइट नीड लेस अमाउंट ऑफ वाटर इन कंपेरिजन टू द प्रोटीन एंड फैट्स। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए पानी की ज़रूरत कम पड़ती है कंपेरिजन टू द फैट और प्रोटीन। प्रोटीन और फैट को डाइजेस्ट करने के लिए हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, जबकि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए पानी की ज़रूरत कम पड़ती है। ठीक है, आपने देखा होगा जब हम दाल बाटी खाते हैं, एक कॉमन सा एग्जांपल लेते हैं कि दाल बाटी खाते हैं तो हमें प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। ठीक है, उसका पीछे रीज़न ये है कि दाल बाटी के अंदर घी ज़्यादा होता है और घी का मतलब है लिपिड्स और फैट, और उस लिपिड और फैट को डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को क्या चाहिए, पानी का अमाउंट ज़्यादा चाहिए, यही रीज़न है। दे आर टू मेन टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। आगे ना बात, सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज फ्रक्टोज ग्लैक्टोज सुक्रोज माल्टोज लैक्टोज आर कॉल्ड सिंपल कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो हैं कौन कौन से हैं, ग्लूकोज फ्रक्टोज ग्लैक्टोज सुक्रोज माल्टोज एंड लैक्टोज, दीज आर द सिंपल सिंपल कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, सिंपल फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, आपने सुना है ग्लूकोन डी का नाम सुना है, या ग्लूकोज की जो बोतल चढ़ाई जाती है पेशेंट्स को, मरीजों को जो ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई जाती है उसमें, उसको भी सुना होगा। क्या है दोनों,
ग्लूकोन डी पाउडर की फॉर्म में होता है, जिसको हम वाटर के साथ डिजोल्व करके फिर उसको पी लेते हैं, जबकि जो ग्लूकोन डी जो ग्लूकोज की बोतल है उसको हम डायरेक्ट ब्लड के अंदर जो है उसको ट्रांसफ़र करते हैं, है ना। ये दोनों चीज़ें हैं। तो दोनों के अंदर एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, दोनों के अंदर हम कार्बोनेट की सिंपल फॉर्म दे रहे हैं, दोनों के अंदर हम कार्बोनेट की क्या दे रहे हैं, सिंपल फॉर्म दे रहे हैं, ताकि इसको डाइजेस्ट करने में ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि सिंपल फॉर्म में तो इसको डाइजेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो जैसा हम लेंगे वैसा ही क्या हो जाएगा बॉडी के अंदर जल्दी से जल्दी क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, है कि नहीं। ठीक है, तो इसी वजह से बोला जाता है ना कि ग्लूकोन डी या जो ग्लूकोज की बोतल है इससे एनर्जी मिलती है, इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भैया कार्बोहाइड्रेट को हमने बहुत सिंपल फॉर्म में लिया है, वो सिंपल फॉर्म लेने का मतलब डाइजेशन की जो प्रोसेस है उसका टाइम बच गया। ठीक है, जनरली होता क्या है, खाएंगे फिर उसको डाइजेस्ट करेंगे फिर एब्जॉर्ब करेंगे फिर जाके बॉडी को एनर्जी मिलेगी, 2 या 3 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ डाइजेशन वाला जो पोर्शन है या प्रोसेस है वो तो एलिमिनेट हो गई, इसका मतलब है डायरेक्ट ग्लूकोज मिला, सिंपल फॉर्म में मिला, तो हमें डायरेक्ट यूज़ करेंगे तो बॉडी क्या करेगी, एनर्जी बहुत जल्दी बना लेगी। ये इसके पीछे का लॉजिक है। दीज कार्बोनेट आर सोल्युबल इन वाटर, दीज आर क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन का मतलब होता है कि क्रिस्टल जैसे इनकी स्ट्रक्चर होती है, दे आर स्वीट इन टेस्ट, दीज आर कॉल्ड शुगर। ठीक है, जनरली कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं, शुगर भी बोलते हैं, कार्बोनेट को का जो लोकल नेम है सिंपल नेम है वो शुगर है। स्टार्च, डेक्सट्रीन्स, ग्लाइकोजन, सेलुलोज आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कार्बोनेट और पॉलीसेकेराइड्स। आ गई ना बात, सारी बात हुई जो मैंने बताई है। सिंपल कार्बोनेट मतलब डाइसेकेराइड या मोनोसेकेराइड, और कॉम्प्लेक्स कार्बोनेट मतलब पॉलीसेकेराइड। स्टार्च, डेक्सट्रीन, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, ये सब क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोनेट की एग्जांपल है, जिनको हम पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। स्टार्च जो है प्लांट के अंदर जो फूड स्टोर रहता है किस फॉर्म में रहता है, स्टार्च की फॉर्म में। एनिमल के अंदर जो फूड स्टोर रहता है वो किस फॉर्म में रहता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ठीक है, दीज आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, दे आर इंसोल्युबल इन वाटर। ठीक है, दे आर नॉट क्रिस्टलाइन। द मेन डिफरेंस बिटवीन द टाइप ऑफ कार्बोनेट इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन दियर केमिकल कंपोजिशन। सिंपल कार्बोनेट है स्मॉलर चेन ऑफ केमिकल कंपोजिशन इन कंपेरिजन टू कॉम्प्लेक्स वन। सिंपल सी बात है कि दोनों के अंदर क्या होगा, स्ट्रक्चर का डिफरेंस होगा ना भाई, एक कॉम्प्लेक्स एक सिंपल है तो स्ट्रक्चर का डिफरेंस होगा। कोई लॉन्ग चेन है, अगर लंबी चेन है तो कॉम्प्लेक्स होगी, और छोटी सिंपल से चेन्स हैं वो क्या होगी, सिंपल फॉर्म होगी जो आराम से पानी के अंदर डिजोल्व हो जाएगी, लेकिन जो लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोनेट है वो पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होगी। ठीक है, तो ये था मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में और उसके अंदर फर्स्ट टॉपिक हमने कार्बोनेट देखा है। कार्बोनेट हमारी एनर्जी का मेन सोर्स है। कार्बोनेट को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, डाइसेकेराइड उससे इजी, फिर सबसे इजी फॉर्म या सिंपल फॉर्म कौन सी है, मोनोसेकेराइड। इसके एग्जांपल दे रखे हैं कौन कौन से डाइसेकेराइड होते हैं। जनरली देखो, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, दीज आर मोनोसेकेराइड। सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज जो तुम्हारे बुक के अंदर दे रखे हैं वो हैं डाइसेकेराइड। लेकिन दोनों ही क्या है, सिंपल फॉर्म है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज तो मोनोसेकेराइड है, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज क्या है, डाइसेकेराइड है। ये था हमारा कार्बोनेट। कार्बोनेट जो है किसी भी स्पोर्टमैन के लिए कार्बोनेट जो लेना काफ़ी ज़रूरी होता है। स्पोर्ट की लैंग्वेज में या बॉडी बिल्डिंग की लैंग्वेज में कार्बोनेट का शॉर्ट फॉर्म है कार्ब्स। ठीक है, कई बार आप एथलीट्स के फॉर्म मुँह से या जो बॉडी बिल्डर उनके मुँह से आप कार्ब्स नाम सुनते होंगे, कार्ब्स, CARBS, कार्ब्स। कार्ब्स मतलब कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहा है। ठीक है, थैंक यू।